रेगुलर पीसेस की क्वालिटी एक पीस ये देखो आप, इंडियन कुत्ता है जी चाइनीज है। अच्छा अब ये आइटम है आपकी 35 रुपये की सर, जो कि डक हो गई। हाँ इस तरीके का कैप डॉग हो गया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस विद में। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ सदर बाजार, सदर बाजार के सबसे बड़े होलसेलर जो कि टॉयज के अंदर डील करते हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाऊंगा और वो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे कैसे उनसे परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे मुनाफा कमा सकते हैं और कितने रुपए तक का मिनिमम बाय कर सकते हैं, और अगर आप अपने कोई खिलौने की दुकान खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं। तो सारी के सारा आइडियाज और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सदर बाजार है दिल्ली के अंदर जी भैया, सबसे बड़ा बाजार है होलसेल के लिए। होलसेल कपड़ा छोड़कर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, कपड़ा छोड़ के बाकी सब कुछ मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मतलब जो मिनिमम अगर बात की जाए तो मिनिमम कितने रुपए से अपने पास से खिलौने टॉय स्टार्ट हो जाते हैं? ऑर्डर मेरे पास क्या नाम है 12.5 रुपए से लेके 3000 रुपए तक का पीस है। 12.5 रुपए से लेके 3000 तक के पीस। और जो 12.5 वाला पीस है वो कितने रुपए तक का रिटेल में चला जाता है? हर चीज की डबल रेट जाती है, हर चीज डबल में जाती है। मतलब अगर कोई 12.5 का लेता है तो 25 रुपए का आराम से बेच सकता है, रिटेल में आराम से नहीं भी बेचता 25 का तो कम से कम 20 रुपए तो उसका कहीं नहीं, 20 रुपए उसको मिलना ही मिलना प्रॉफिट। और सबसे बड़ी बात भैया एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या आप दिल्ली के बाहर भी डील करते हैं जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है? तो दिल्ली से बाहर ही है, दिल्ली के अंदर तो रिटेल वाले आते हैं, बस रिटेल वाले आते हैं। तो जैसे कि कोई कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना टाइम में क्या है आने की दुकान पर कोई जरूरत नहीं? अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा है इसमें जी, आपको PDF फाइल चली जाएगी जी, रेट वगैरह सब मेंशन है उसके अंदर, आप अपना ऑर्डर भेज लो और आपका माल चला जाएगा ट्रांसपोर्ट से बात खत्म। पेमेंट आप अकाउंट भैया सबसे बड़ी फैसिलिटी आपके लिए दे दे कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे अपना हाय भेजना है, भैया यहाँ से आपको PDF सेंड कर देंगे, उस PDF पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना और माल आपके एड्रेस पे चला जाएगा। बस इसके लिए आपको बिफोर पेमेंट करके चलना पड़ेगा, वो आपको मस्त हो जाता है और साथ ही में ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी। रिटेल वाले सिर्फ रिटेल वाले, सीधी सी बात है, अगर आपको एक दो पीस चाहिए तो आप दुकान पर आकर ले सकते हो। फैजान भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भाई फैजान भाई आज क्या दिखाने वाले व्यूअर को, सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या करोगे? यही होंगी भाई, सब क्या नाम है छोटे पैकेट से स्टार्ट होता है, जो हमारे पास टेडी बेयर स्टार्ट होता है वही आएगा। जैसे कि आपका ये 12 पीस का पैकेट है, 12 पीस का पैकेट है ये, 180 रुपए का पैकेट है, ये आपको 15 रुपए पीस पड़ेगा। 15 रुपए पीस पड़ेगा? हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, 15 रुपए पीस पड़ेगा। और उसके बाद आपका ये आएगा फर वाला पैकेट, छोटे में फर वाला पैकेट, ये 250 रुपए का पैकेट है, ये 21 रुपए पड़ेगा। दोस्तों कितना प्यारा पीस दिख रहा है आपको, 21 रुपए का पड़ेगा। आप इसको आराम से 30-35 रुपए का, 40 रुपए का आराम से देख सकते हैं, 50 रुपए का बिकेगा ये। और सबसे बड़ी बात है अगर, हाँ, और खूबसूरत भी है, खूबसूरत भी है। और सबसे बड़ी बात है अगर कोई आप मार्केट में जाते हैं, जैसे कोई मेला वगैरह लगता है या पटरी पर बैठते हैं, तो आपको इसमें बहुत अच्छा मार्जिन प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको जो मेले वाला आइटम है, पटरी वाला आइटम है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब आज हमारे दर्शकों को खुश करने वाले हो आप। बिल्कुल सर, चलिए ये आएगा आपका कैप टेडी, इस तरीके का कैप टेडी। हाँ जी, बड़ा मशहूर के टेडी होता है आजकल, ज़्यादातर लोग इसको गिफ्ट देने में ही यूज करते हैं। इसका क्या स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है? ये आपका 80 रुपये का पीस है, स्टार्टिंग 45 रुपये। ये 80 रुपये का पीस है? हाँ जी, ऐसा है ना कि आइटम में तो सर बहुत है, सारी आइटम में वीडियो पे तो नहीं दिखा सकते, इसलिए मैं आपको मेन आइटम दिखा रहा हूँ जी भैया। बाकी वैरायटियां तो इतनी है सर कि पूरी रात वीडियो चलेगी, जब भी वैरायटी पूरी नहीं हो पाएगी। नहीं, मैंने जैसे कि इंट्रो में ही दिखा दिया है जी सर, लेकिन ये जो आपने 80 रुपये का दिखाया ना, मैंने कई बार लोगों को परचेज करते देखा, 200-200 रुपये, 150-150 से कम का तो ये मिलता ही नहीं मार्केट के अंदर। अगर आप अपनी दुकान खोलने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए एक और प्यारा पीस आ गया 100 रुपये का, बहुत ही प्यारा टैडी आने वाला। मैं जरा इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि मतलब क्या इसकी फिनिशिंग है। आप जैसे क्लियरिटी देख पा रहे हो मेरे कैमरे के थ्रू चैनल पे, तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, 100 रुपये का होने वाला है ये। हाँ जी सर, ठीक है भैया, अगले प्रोडक्ट क्या दिखाएंगे भैया? इस तरीके की आपकी करेक्टर आइटम आएगी, जैसे कि मोटू पतलू, बच्चे जो हैं करेक्टर ज्यादा मांगते हैं देख के टीवी पे। बिल्कुल भैया, जैसे मोटू पतलू है आपका जी भैया, 70 रुपये का पीस है हमारे पास से। ये 70 रुपये का जोड़ा है या सिंगल से? 70 रुपये का जोड़ा जी सर, जोड़ा है मोटू पतलू का जोड़ा ही 70 रुपये का है जी सर। बहुत इससे बड़ा साइज है ये 100 रुपये का है आपका, 100 रुपये का जोड़ा है। हाँ जी, ये आपका मिनियन आएगा आपका 100 रुपये। मतलब अगर मैं देखूं तो जैसे जिस हिसाब से खिलौने की मार्केट डिमांड करते हैं मार्केट, उसके अकॉर्डिंग प्राइस बहुत सस्ते हैं। हाँ जी, और मुनाफा कमाने और पैसे कमाने का ये अच्छा ऑप्शन है। करेक्टर आइटम है, बच्चे जाके जिद करने लगते हैं, यहाँ से तो 100 रुपये का है, और हमारे लिए कोई भी आ जाए, छोटे से बच्चा भी आ जाए, उसके लिए रेट सेम है, सेम है। हाँ जी, सबसे बड़ी बात है कि ना अभी तो 350-400 का मिलेगा। बहुत ही बढ़िया, यही मिलता है 350-400 का मिलता है। फैजान भाई तो मतलब जैसे कि आजकल वैसे भी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बच्चों को घर के अंदर खिलौना जरूरी है। हाँ जी, तो मार्केट इसका बहुत ज्यादा ग्रो कर ही रहा है। ठीक है भाई, अगला प्रोडक्ट क्या दिखाओगे? अगला सर जी देखिए, बड़ा टेडी है थोड़ा जी भैया,
ये हमारे पास से 350 रुपए का है। 350 रुपए का टेडी आप रिटेल में लेने जाओ जी, कम से कम 700 रुपए का मिलेगा आराम से भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 700 रुपए यही टेडी आप मॉल में लगा दो तो शायद 1500 का हो जाएगा। हाँ ये बात आपने बिल्कुल 100 रुपए की बात कही है। और मेन चीज ये है कि अपनी फैक्ट्री का आइटम है तो बहुत ही मुनासिब रेटों में मिलेगा हमारे पास। बहुत बढ़िया ये, क्योंकि आपने जो ये बात बताई ना कि बाहर अगर मॉल में लगा दो 1500 का, क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी में लाइव क्वालिटी देख पा रहा हूँ, दुकान पे शूट कर रहा हूँ, सदर बाजार के अंदर शॉप लोकेटेड है। जैसे कि ये करेक्टर में पांडा, हाँ अब ये इसका प्राइस अगर मैं आइडिया लगाऊं तो इसका जो आइडिया होगा कम से कम 1100 से 1200 रुपए का ये होगा, है ना, जो मैं मान के चलता हूँ। अब इसका रेट आप ओपन करो कितना होगा? इसका रेट है सर 650 रुपए। 650 रुपए? हाँ जी सर। यूनिक कलर में टेडी आता है ये। हाँ ये वाला आपका, अब आप बताओ कितने का होगा टेडी? ये मेरे हिसाब से मैं इसको अगर लेने जाऊंगा दुकान पे तो 800 रुपए का लूंगा। और ये हमारा टेडी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 350 रुपए का है। 350 रुपए का? हाँ जी सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही, मतलब सारे प्रोडक्ट आपके पास ऐसे हैं, रेट ऐसे हैं कि कस्टमर आपके पास आके वापस जाने वाला नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। और उसको अगर लेने आया है तो अगर वो सोच के आया कि वो 2000 का माल लेगा तो वो आपके पास आके कम से कम 10,000-20,000 लेके आएगा। लिमिट फेल है सारी यहाँ पे। तो मतलब आप अगर दुकान पे आना चाहते हैं तो किसी भी लिमिट के साथ आएंगे तो लिमिट आपकी यहाँ पे फेल हो जाने वाली है, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं। और ऐसे ग्राहक आते हैं कि जैसे ये बोला जी 20,000 रुपए का माल लेना, जब वो लिखवाने बैठते हैं ना तो माल बैठ जाता है 33,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, वो भी हम खुद रुकते हैं। कितना बहुत हो गया, अब हो गया, अब आपका भी देख लो ये पीस। इसकी क्वालिटी एक तो बेटर है काफी, मैं दिखा दे रहा हूँ जूम करके, क्वालिटी काफी बढ़िया है, सिलाई भी बेटर है। और मेन चीज के अंदर जो मटेरियल भरते हैं ना, मटेरियल ऐसा होता है कि जो बच्चे को नुकसान वगैरह ना दे, साफ सुथरा मटेरियल एकदम। इसे आप दबा लो, कुछ भी कर लो, इसका कुछ नहीं बिगड़ना। मतलब चीज दिखाऊं, ये पीस है एक छोटा सा, एक पीस ये देखो आप, और एक पीस आप ये देखो, और एक पीस आप ये देखो। अब ये इतना बड़ा पीस 30 रुपए का है। हाँ अब ये इतना बड़ा पीस 45 रुपए का है। अच्छा अब यही इतना बड़ा पीस 40 रुपए का है। ऐसा क्वालिटी के साथ? जी सर। अब इसमें यही फर्क हो जाते हैं, जैसे मान लिया आपने ये देखा, आपने ये देखा ये तो बहुत छोटा पीस 40 का है, अब आप आगे ये गए आपको किसी ने ये दिखा दिया कि ये तो 45 रुपए में बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात। तो कुछ नहीं होता सर, इसमें क्वालिटी का फर्क बहुत होता है। मतलब क्वालिटी का भी ध्यान रखा हुआ और तरह तरह की क्वालिटी आपने मेरे पास रखी हुई है। हाँ जी। जैसा भी कस्टमर आपके पास आएगा आप उस क्वालिटी का माल उसको दिखा देंगे। जी सर। क्योंकि क्लेम करने में कई बार क्या होता है, आदमी प्रोडक्ट दूसरा देखता है, रेट दूसरा होता है, तो कपड़े का अंतर आ जाता है। अभी मैं एक चीज आपको समझाऊं, जैसे कि ये दो आइटम आते हैं, अब ये सर इंडियन कुत्ता है जी, चाइनीज है। अच्छा अब ये पीस जो है आपका 130 रुपए का है, और ये 180 रुपए का है, दोनों में 50 का अंतर आया है, दोनों कुत्ता ही, दोनों का साइज सेम है, बिल्कुल सेम है। फर्क ये आ जाता है, मैंने किसी को ये दिखा दिया 180 रुपए का, आगे गया वो कह रहा सर 130 का तो आगे ही मिल रहा है, 50 रुपए का अंतर बहुत होता है। बिल्कुल सही। ग्राहक को माइंड से अपने ये सोचना चाहिए कि 50 का अंतर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। ये चाइनीज है, थोड़ी क्वालिटी और फिनिशिंग हैवी हो जाती है, ये इंडियन है। दोनों चीज आपके सामने होंगी ना तो बेटर पता आपको जब चलेगा। बिल्कुल सही बात। कई बार होता है कि सामने हो जब पता चले। अब ये आइटम है आपकी 35 रुपए की सर, देखो अब दोनों में साइज में तो मतलब डबल का अंतर है, डबल का अंतर, डबल का रेटों में भी डबल। अब इसमें भी रेटों में भी डबल का अंतर है। ये 35 का, रुपए का वो 70 का, ये 75 रुपए का, 75 रुपए का, ठीक है। और ये इंडियन है, वो बिल्कुल सॉफ्ट है, आप इस पे खड़े हो जाओ या हाथ ही भी खड़ा कर लो तो कुछ नहीं बिगड़ना सर। मतलब फिर भाई बच्चों को ध्यान रखते हुए अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आइटम होती है ना, ये थोड़ी सर मेले टाइप की, मेले टाइप। हाँ जी सर, वो मैंने आपके कही थी कि मेले वाली आइटम दिखा रहा हूँ मैं आपको जी भैया। मेले में आपकी ये देखिए बिल्ली है, ये रैबिट हो गया, जैसे ये आपका डॉग हो गया, ये सब मेले, ये सब मेले वाले आइटम है, क्वालिटी बेस्ट है इनकी। हाँ हाँ। ये आपका कुत्ता हो गया, इस तरीके की डक हो गई। हाँ। इस तरीके का कैप डॉग हो गया। मतलब ये सारा आइटम मेले का सर, ये मान लो 35 रुपए का आइटम, ये सही में 35 रुपए का आप दोगे? हाँ जी 35 रुपए का, 420 रुपए के 12 पीस है, 35 रुपए पीस पड़ेगा सर, 35 रुपए पीस पड़ेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। हाँ तो ये जैसे कि ये देखो आप, ये टेडी हो गया इसमें, ये भी 35 रुपए है। मतलब जैसे कि सर मेले में जो होता है ना सेल वगैरह वाली आइटम लगती है, उसमें ये होता है कि 60 रुपए में डाल दी सारी आइटम, उसमें आइटम यही चलती है 35-40 वाली। बिल्कुल सही बात। 35 वाली आइटम ली और सीधा बोर्ड लगाया 60 रुपए की हो गई, और अब उसमें आदमी खरीद के ले जाएगा भाई 50-60 रुपए से नीचे कहाँ खिलौना बिकता है। मैं आपको ये बताऊँ, दिल्ली में जैसे कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन हो गया, सदर स्टेशन हो गया, जो अपने पास पास के एरिया, यहाँ पर चले जाओ सेल लगी होंगी, रेड़ी पटरी पे बिक रहे होंगे 60-60।
जहाँ मर्जी देख लो ये आइटम तो आपको 60 रुपये मिलनी है।